फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिन से वो एक सवाल आ रहा है कि यदि जन्म श्राद्ध पक्ष में हुआ है तो क्या करें, या ग्यारस के दिन या किसी ऐसी अशुभ तिथि जिसको माना जाता है उस दिन कोई बच्चा जन्मा है तो क्या करें और कैसा उसको मानते हैं, तो आज इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ। मेरी पूर्व में भी आप वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने अंक 13 के बारे में बताया था कि प्रायः लोग ये इस मिथ को लेकर रहते हैं कि 12 और 13 नंबर अशुभ होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर भेजा है। और जन्म से बड़ी वस्तु होती है कर्म, जन्म से बड़ी चीज़ होती है कर्म। जन्म कभी भी हो, कहीं भी हो, आपने देखा नहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म के बाद उनकी माँ नहीं रहती, पिता नहीं रहते, तो क्या वो जीना छोड़ देते हैं क्या? प्रकृति उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें निर्मित करती हैं और वो जीवन में बहुत सफल भी होते हुए देखे गए हैं। इसी प्रकार से जो 12 और 13 तारीख को ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी तो इस वीडियो में तो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी कि ऐसे लोग जो 12 या 13 तारीख को पैदा हुए हैं उन्होंने कितना सफलता का परचम लहराया है। और पढ़ाई में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, वो 13 तारीख को पैदा हुई थी, 13 तारीख को, और वो सबसे बड़ी चीज़ है उसके पैर में प्रॉब्लम भी थी, मतलब उसको एक बैसाखी लेकर ही चलना पड़ता था, लेकिन उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखकर उसको सैल्यूट करने का मन करता है। और आज की डेट में वो गवर्नमेंट जॉब में है और एक प्रोफेसर के पद पर काम कर रही है, और अपने बूते पर उसने अपनी अध्ययन को बहुत बड़ी दिशा दी, हालांकि उसके परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो मैं आपको यहाँ यही चीज़ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ है, हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखिए। कभी भी किसी का जन्म हुआ हो खराब नहीं होता है, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ आप सबसे पहली चीज़ गांठ बांध लीजिए, इसको समझ लीजिए इस बात को, और अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए यदि आप श्राद्ध पक्ष में भी पैदा हुए हैं। और एक चीज़ बोलूँ आपको, श्राद्ध पक्ष में पैदा होना कुछ भी अशुभ नहीं है, बल्कि पितरों का आप पर जबरदस्त आशीर्वाद है। कि श्राद्ध पक्ष क्या है बेसिकली, श्राद्ध पक्ष श्रद्धा का पर्व है, और श्रद्धा अपने आप में बहुत पॉजिटिव शब्द है। कभी आप अकेले में बैठिए और पितरों के बारे में सोचिए, अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, या अपने ऐसे बड़े परिजनों के, बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचिए जो दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करिए, तो वो आपका कितना भला चाहते होंगे। तो जिन्होंने जीते जी आपका भला चाहा दुनिया से जाने के बाद, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो किसी का भी बुरा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो यदि श्राद्ध पक्ष में किसी के घर किसी का भी जन्म हुआ है तो वो बहुत ही शुभ है, कुछ भी अशुभ नहीं है। ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि अशुभ है, अशुभ तो है ही नहीं। जन्म लेना अपने आप में सृजनात्मक प्रक्रिया है, और सृजनात्मक प्रक्रिया कभी भी गलत नहीं होती है। सृजन से ही दुनिया आगे बढ़ती है। तो इसलिए ऐसे लोग किसी विशेष उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में आए हैं, ये चीज़ उनको समझनी चाहिए और उनको सही दिशा लेके चलनी चाहिए। और जो लोग अमावस्या में पैदा हुए हैं या किसी और मौके पर पैदा हुए हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि उनका चंद्रमा भले ही हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो कमज़ोर है, लेकिन वो अपने बहुत से उपाय करके अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष की सार्थकता ही यही है कि ज्योतिष में ऐसे जो उपाय हैं उनका लाभ आम जन को मिल सके, आम पब्लिक को मिल सके, हर इंसान को मिल सके। तो सबसे बड़ी चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि श्राद्ध पक्ष में पैदा होना कुछ गलत है या श्राद्ध पक्ष में पैदा होना अच्छा नहीं है। श्राद्ध पक्ष में पैदा होने वाली बहुत सी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊँ जिन्होंने बहुत अपनी मेहनत के बूते पे नाम कमाया है, और बहुत वो प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन यापन कर रहे हैं। सब कुछ उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, चाहे क्या शिक्षा, क्या परिवार, हर जगह उन्होंने यश और कीर्ति को प्राप्त किया है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि श्राद्ध पक्ष में पैदा हुए हैं तो कुछ गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं। पितृदेव को आप बहुत मानिए, जो भी पूर्वज हैं उनको जरूर उनका मन में एक निष्ठा और श्रद्धा आप रखिए, फिर देखिएगा आपके जीवन के काम आगे से आगे होते चले जाएंगे। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष मेरा अनुभव किया हुआ ये चीज है कि जितनी आप श्रद्धा रखते हैं पूर्वजों के प्रति, उतना ही आपका मार्ग प्रशस्त होता है, आपकी जिंदगी के रास्ते बनते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी कि कभी भी जन्म लेना कुछ भी अशुभ नहीं है, शुभ ही शुभ है, इस बात को बस समझ लीजिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।